नमस्कार, आप हैं करियर यात्रा पर। दुनिया भर में फिलहाल कोरोना वायरस का भयंकर प्रकोप है। लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, तो वहीं इससे हजारों मौत हो चुकी हैं। दुनिया भर में लगातार इसको लेकर रिसर्च जारी है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। इससे पहले भी दुनिया ने जीका और स्वाइन फ्लू जैसे खतरनाक वायरस देखे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था और ये कब सामने आया? तो इसी जानकारी को लेकर हम ये खास वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, हमारी खास सीरीज ज्ञान बदोश में। दुनिया के सबसे पहले वायरस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वायरस होता क्या है। दरअसल वायरस एक इंफेक्शियस एजेंट होता है जो सिर्फ एक जीव के अंदर जीवित रह सकता है। मसलन सारे जैविक तत्वों को ये प्रभावित कर सकता है, यानी कि जानवर से लेकर इंसानों तक और पेड़ पौधों से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया तक को ये अपने जद में ला सकता है। जहां तक दुनिया के सबसे पहले वायरस की बात है, ये आजकल की बात नहीं बल्कि इसका इतिहास सैकड़ों साल पहले जाता है। 1886 में एडॉल्फ मेयर ने तंबाकू के पौधों पर होने वाली बीमारी का जिक्र किया। उन्होंने इसे तंबाकू मोज़ैक बताया। उसके बाद से ही पूरी दुनिया में इसे लेकर रिसर्च की जाने लगी। 1892 में दिमृति इवांस्काई ने अपने एक आर्टिकल में टोबैको प्लांट में होने वाले नॉन बैक्टीरियल पैथोगन का जिक्र किया, यानी कि उन्होंने इसे बैक्टीरिया से न होने वाली बीमारी के बारे में बताया। इसको लेकर लगातार दिमृति इवांस्काई कई सालों तक रिसर्च करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। आखिरकार वो वक्त 1898 का था जब मार्टिनस बेजुरेंट ने पहली दफा इंडिपेंडेंट तौर पर एक्सपेरिमेंट कर इस पर सफलता हासिल की। उन्होंने टोबैको मोज़ैक को अपने आप में तीव्र गति से मल्टीप्लाई होने वाला तत्व बताया, जिसे वो बैक्टीरिया से एकदम अलग मानते हैं, और उन्होंने इसे वायरस का सबसे पहले नाम दिया और इस तरह दुनिया को सबसे पहला वायरस मिला, जिसे उन्होंने टोबैको मोज़ैक वायरस यानी कि TMV कहा। आगे चलकर वेंडल मेरिट स्टैनली ने 1935 पर इस पर और रिसर्च कर इसे और पुख्ता बनाया, जिसके लिए उन्हें 1946 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे पहले वायरस टोबैको मोज़ैक वायरस की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की रोचक जानकारी और डेली जॉब अपडेट्स मिल सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि लगातार आपको डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलते रहें।